नमस्कार। एक कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां पर नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। आज विश्व महिला दिवस है। विश्व महिला दिवस पर विश्व की सभी नारी शक्तियों को मेरा हार्दिक नमस्कार, हार्दिक बधाई, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप हैं तो ही हम सब हैं, आपसे ही हम सब सुरक्षित हैं। और इसको बोलने में मुझे एक तरीके से गर्व महसूस होता है कि नारियों को सशक्तिकरण की आवश्यकता तो केवल पुरुष मानते हैं कि हम नारी को सशक्त करते हैं। अगर नारियों ने सहना छोड़ा तो पता नहीं किस किस को क्या क्या सहना पड़ जाए। ये एक तरीके से पूर्णतः सत्य बात है। नारी जितना सहन कर सकती है पुरुष में उतनी सहन शक्ति नहीं है। जितना नारी में शक्ति का भाव है, सहने की शक्ति जितनी है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब डिलीवरी होती है बच्चे की, प्रेग्नेंट फीमेल, प्रेग्नेंट महिला जिस समय डिलीवर करती है बच्चे को, उस समय उसको कितना दर्द होता है। और उस दर्द को सहने के बावजूद जब उसके कानों में बच्चे के रोने की गूंज पहुंचती है तो वो खुशी से भर जाती है। ये होती है नारी। हमें अगर थोड़ा सा दर्द लग जाए, अगर हम दरवाजा खोल रहे हैं, उंगली हमारे हाथ में आ जाए, दरवाजे के बीच में आ जाए हमारी उंगली, तो हम चीखते हैं, क्या आवाज निकलती है? मां। क्योंकि ये एक अटैचमेंट है। और हम जानते हैं कि अगर हम बहुत तकलीफ में हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को होगी तो वो मां को होगी। हम और तो क्या बोला जाए, एक और प्रसंग बोलता हूं कि सब एक तरीके से हमारे पास भी लोग आते हैं कमर दर्द लेकर के, तो हम भी बोलते हैं कि सातवें आठवें महीने में जब महिला होती है तो उसको कमर में दर्द आता है क्योंकि उसका पेट निकल के बाहर की तरफ आ रहा होता है। और पेट बाहर की तरफ आता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, वो शिफ्ट होना चालू हो जाती है। L4-5 रीजन पर लंबर एरिया में जोर पड़ता है और उसकी वजह से कमर की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और आपके कमर में दर्द आना चालू हो जाता है। बोले वैसा ही पेट अगर आपका निकला हुआ है, जैसे छठे सातवें महीने या आठवें महीने की प्रेगनेंसी में महिला का निकलता है, तो ये आपके दर्द का कारण बन रहा है। लेकिन इस बात को बोलने में कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि पुरुष अगर महीने दो महीने की बात तो छोड़ दीजिए, अगर एक दिन के लिए भी 2-2.5 किलो की एक ईंट को कपड़े से ऐसे पेट पर बांध करके छोड़ दिया जाए पुरुष, तो पुरुष कितने घंटे उसको सह सकता है? इरिटेशन हो जाएगी, चिड़चिड़ा जाएंगे, लेटेंगे तो ईंट इधर जाएगी, पेट केवल लेटेंगे तो ईंट पेट में गढ़ेगी। लेकिन एक मां पूरे 9 महीने तक उस बच्चे को, जो 1 महीने से लेकर के धीरे धीरे करके पेट गर्भ में बड़ा हो रहा है, 6, 7, 8, 9 महीने में एक मां को कितनी पीड़ा होती होगी। लेकिन मां इस पीड़ा को सिर्फ इसलिए सहन कर लेती है कि 9वें महीने के बाद हमारा बच्चा जन्म लेगा और वही बच्चे बड़े होकर के कोई अपना दृष्टिकोण कुछ रख लेता है, कोई अपना दृष्टिकोण कुछ रख लेता है, और कुछ उनमें से ही एक शब्द बोलते हैं जो इतना अनर्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं है, और शब्द है नारी नरक का द्वार। नारी नरक का द्वार है, कैसे बोल देते हैं लोग।
नारी तो माँ, बहन, पत्नी, बेटी, मित्र, जिस रूप में भी है उस रूप में आपके लिए वरदान के जैसी है। आप उस वरदान को जितना संभाल के रख सकते हो उतना संभाल के रखें। और एक बार पुनः विश्व महिला दिवस पर सभी महिलाओं को मेरा पुनः सादर प्रणाम, सभी को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है हम सभी इस छोटी सी बात को बहुत गौर से सोचेंगे और सोचकर ये निश्चय करेंगे कि नारियों का सम्मान, चाहे वो बहू हो, बेटी हो, बहन हो, एक ही स्वरूप में होना चाहिए। अगर घर में बेटी का सम्मान है तो घर में बहू का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए, ताकि हमारी बहन या हमारी बेटी किसी दूसरे घर में जाती है तो वहां उसको भी वही सम्मान का भाव मिले। ये चीज अगर केवल हम समझ जाएं तो वो जो स्लोगन है उस स्लोगन को फलीभूत होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवताओं का वास निश्चित ही होगा। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर ऐसा महसूस हो कि ये बहुत आवश्यक कदम है, जिस कदम को हमें सबसे पहले समझना है, तो कृपया थोड़ा सा समय निकालकर इस बात पर गौर जरूर फरमाएं और एक दिन ही नहीं पूरे साल, और पूरी साल ही क्यों, पूरे जीवन काल में नारियों के सम्मान में हमेशा खड़े रहें। जहां जब जिस नारी को हमारे साथ की, हमारे संबल की आवश्यकता हो, हम उन्हें उस समय अपना साथ, अपना संबल प्रदान कर पाए, ऐसी मनोदशा हमारी बनी रहे, ईश्वर से यही कामना है। धन्यवाद। नमस्कार।